मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो कई उम्मीदवारों के मन की मुराद पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से टिकट पाने वाले परशुराम सिसोदिया हपक हपक कर रोते दिखे। और ये सब सार्वजनिक मंच से समर्थकों के बीच हुआ। हालांकि परशुराम सिसोदिया की आंखों से आंसू नहीं टपके, फिर भी वो आंसू पोंछने की कोशिश करते दिखे और उनका गला भर्रा गया। अपने नेता को भावुक देख मंच पर मौजूद नेता उन्हें दिलासा देते नजर आए। हिम्मत बंधाने के लिए मंच से फौरन नारेबाजी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े विरोधी दल से टिकट पा चुके नेता को बिलखते देख कई लोग हैरान नजर आए। ये हैरानी स्वाभाविक है, हालांकि इसकी वजह का खुलासा होते भी देर नहीं लगी। दरअसल जिस परशुराम सिसोदिया को राज्य के वित्त मंत्री जगदीश द्विवेदी के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा, उसका विरोध पार्टी के अंदर स्थानीय स्तर पर ही शुरू हो गया। और टिकट के एक और दावेदार श्यामचंद जोगचंद ने सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया गया कि श्यामचंद जोगचंद ने खुद को टिकट का ज्यादा मजबूत दावेदार बताया और घोषित उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद श्यामचंद जोगचंद इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात रणदीप सुरजेवाला से हुई। इसके बाद मल्हारगढ़ से टिकट बदले जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कहीं परशुराम को मिली टिकट छिन न जाए, इसी अंदेशे में वो जनता के बीच फफक पड़े। परशुराम चुनावी घमासान में उतर तो गए हैं, लेकिन फिलहाल लड़ने से पहले ही उनका मनोबल टूट चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर कांग्रेस नेता मुरली मोरवाल के समर्थकों ने आज जमकर हंगामा किया। इन समर्थक और भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान समर्थकों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और मोरवाल को दोबारा टिकट देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े भी फाड़ लिए, तो वहीं भीड़ में शामिल एक आदमी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। उज्जैन के बड़नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मुरली मोरवाल का टिकट काटकर राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुरली मोरवाल के समर्थकों में काफी आक्रोश है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पांचवी लिस्ट में टिकट नहीं पाने वाले नेताओं का आज गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने समर्थकों के साथ प्रदर्शन भी किया। हालांकि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया और कहा कि टिकट वितरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन सब कुछ पार्टी के नियंत्रण में है। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी 228 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि गुना और विदिशा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए बीजेपी ने इस बार कई नेताओं के टिकट काटे हैं, जबकि पार्टी ने इस बार केंद्र सरकार में मंत्री और सांसदों पर भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार धान किसानों को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य एक बड़ा मुद्दा है। भूपेश बघेल सरकार इसी मुद्दे पर मैदान मारने का दावा कर रही है, लेकिन कृषि प्रधान राज्य में केवल इसी मुद्दे पर दोबारा सत्ता में वापसी आसान नहीं है। शायद यही वजह रही कि 5 साल राज कर चुके मुख्यमंत्री बघेल को सत्ता में बने रहने के लिए किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करना पड़ा। जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, चुनावी सभा में इस ऐलान के बाद सीएम बघेल को जनता से जिस उत्साह की उम्मीद थी, नतीजा कुछ वैसा ही रहा। लोगों का उत्साह देख बघेल की आवाज और बुलंद हो गई। चूंकि राज्य में खेतीहर किसान से ज्यादा गरीब मजदूर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना कराने के साथ ही 17.5 लाख लोगों को पक्का घर देने के वादों को भी दोहराया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सभी 90 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्य के धमतरी सीट से कांग्रेस ने स्थानीय जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। तो कृषि उपज मंडी के मौजूदा अध्यक्ष ओमकार साहू के नाम की भी लॉटरी निकल आई। चूंकि धमतरी में साहू समाज जीत हार के लिहाज से निर्णायक माने जाते हैं, इसलिए ओमकार पर कांग्रेस ने दाम लगाया। कांग्रेस की आखिरी लिस्ट में नाम आने के बाद साहू एक ही सांस में अपने सभी शीर्ष नेताओं का शुक्रिया करने लगे।
शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। साहू ने विकास के एजेंडे पर जनता के बीच जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी चुनावी राह आसान नहीं होने वाली। असल में ओमकार साहू का मुकाबला मौजूदा बीजेपी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू से है। रंजना ने जनपद सदस्य के रूप में सियासी पारी शुरू की थी और जनपद पंचायत अध्यक्ष भी बनी। 2018 के विधानसभा चुनाव में रंजना ने कांग्रेस को महज 464 वोटों से हराकर कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी कर डाली। बीजेपी ने रंजना साहू पर दोबारा भरोसा जताकर ओमकार साहू को तगड़ी चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को और कड़ा बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पार्टी ने रायपुर उत्तर से विजय गुरुबख्शी और रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के केवल 40 दिन बचे हैं। भूपेश को साफ समझ में आ गया है कि अब 40 दिन का मुख्यमंत्री बाकी है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अपने नेता का टिकट कटने से गुस्साए समर्थकों ने भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बागेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को बदलने की मांग की। पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पहली बार 2 दिन के दौरे पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। एयरपोर्ट पर ही गहलोत ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों के सामने अपनी सरकार के काम की तारीफ की और दोबारा सत्ता में लौटने का दावा किया। एयरपोर्ट से निकलकर अशोक गहलोत ने एक मंदिर में दर्शन किए और वहां आरती में शामिल हुए। अशोक गहलोत ने इसके बाद शहर में 5 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और अपनी पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी गहलोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं गहलोत ने भी अपनी योजनाओं को लेकर पीएम मोदी पर नकल करने का आरोप लगा दिया। मोदी नकल कर रहे हमारे कर्नाटक में गारंटी दी गई हमारी पार्टी द्वारा, मध्य प्रदेश दी जा रही है, ज्यादा हम लोग ले जा रहे हैं, तो मोदी जी भी गारंटी पे व्याख्यान देने लग गए। जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने एक बार फिर प्रताप सिंह खाचरियावास को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद खाचरियावास ने भी दावा किया कि वो पिछली बार के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी तेज कर दिया। लोगों से मुलाकात करने में जुटे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक जागरण में पहुंचे और वहां मौजूद भक्तों से मुलाकात की। इस दौरान खाचरियावास इतने जोश में दिखाई दिए कि उन्होंने माइक पकड़ लिया और संगीत की धुन पर आरती गाते दिखाई पड़े। खाचरियावास इस दौरान वहां संगीत बजा रहे लोगों को सही धुन बजाने की नसीहत देते भी नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले ही लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया। साथ ही पोस्टर में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई भी दी। अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को होता है, लेकिन एसपी नेताओं ने उन्हें भावी पीएम बताते हुए उनके सम्मान में एक बार फिर जन्मदिन मनाने का दावा करते हुए पोस्टर लगा दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया कि अखिलेश के लिए अब दिल्ली दूर नहीं। बदला है यूपी, बदलेंगे देश, साइकिल भी बनी हुई है और इसके पास में ही जो चित्र है वो कई संदेश देने का प्रयास है। पार्टी मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगवाए, जिन्होंने दावा किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को देश का भावी पीएम मानते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना के सम्मान में ये पोस्टर लगाया गया।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ये भी दावा किया कि यूपी बदलने वाले अखिलेश अब देश बदलेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे, ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए से मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता है। उधर गठबंधन में शामिल तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, इसका कोई मतलब है क्या? तेजस्वी ने कहा ऐसे पोस्टरों का कोई मतलब नहीं है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में भी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक प्रहलाद लोधी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विरोध तेज हो गया है। टिकट की मांग कर रहे संजय नगायच ने चेतावनी दी है कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो वो 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात न बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पन्ना से महेंद्र वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर और छतरपुर से बेनी प्रसाद चंसौरिया को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ईवीएम पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम से वोट कराने का विरोध जताया है, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस हार के डर से ईवीएम पर सवाल उठा रही है। जयपुर से सवाई माधोपुर लौटते समय कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। दानिश अबरार सवाई माधोपुर से कांग्रेस विधायक हैं और पार्टी ने उन पर इस बार भी भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जैसे ही सभी दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू किया, निराश नेताओं की नाराजगी ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। ऐसे में जनता से जुड़े असली मुद्दे जानने जी न्यूज की टीम चुनावी राज्यों के लिए निकल पड़ी और ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने के लिए सबसे पहले ग्वालियर पहुंची, जिसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक ठहराया गया था। ग्वालियर से महज 18 किलोमीटर दूर मुरैना के बानमोर औद्योगिक क्षेत्र को इलाके के प्रदूषण के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए जी न्यूज का पहला पड़ाव यहां का सेवा गांव रहा। गांव में अंदर आते ही लोग जो अपनी समस्या बताते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आती है वो प्रदूषण की है। अंदेशे के मुताबिक यहाँ के हर उम्र के लोग सांस से जुड़ी बीमारियों की चपेट में दिखे और बातचीत के दौरान डॉक्टर के पर्चे और दवाइयाँ दिखाकर अपनी परेशानी बताने लगे। सांस ले रही है जी, जी, जी है कि नहीं जी पेट, तो जी मतलब जो ऊपर वो सांस भीतर वो बंद ना पेट में। शकुंतला देवी ने बताया कि प्रदूषण की वजह से उसे सांस के साथ ही स्किन से जुड़ी बीमारियों ने भी घेर रखा है। लेकिन इन बीमारियों को उम्र से जुड़ी बीमारियां बताकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के लक्षण सेवा गांव में हर उम्र के लोगों में नजर आए, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। माँ बाप बच्चों को होने वाली बीमारियों की एकमात्र वजह इलाके में चल रहे टायर, ट्यूब और लोहे से जुड़े प्लांट को बताते हैं। कार्बन उड़ता है उनमें से, चिमनियों में से, तो पूरा जैसे हवा अगर इधर की है तो पूरे छत पे एकदम काला काला हो जाए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे काला धुआं रहता है। ये दावे बढ़ा चढ़ा कर किए गए नहीं, क्योंकि कुछ ही आगे बढ़ने पर इसके सबूत मिल गए, जिसमें एक शख्स पूरी तरह कार्बन में नहाया नजर आया, वो भी इस तरह कि अगर आप गौर से न देखें तो पत्थर की बनी मूर्ति मानने की भूल कर बैठे। पूरी तरह कालिक से पुते शख्स की ये तस्वीर दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली रही। हमारे ही बीच रहने वाले किस हाल में जीने को मजबूर है उसकी ये तस्वीर जीती जागती मिसाल है। लेकिन क्या ऐसे हालात मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे हैं? हम ये भी टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले रोजाना हवा के जरिए सांस में कार्बन लेने से लेकर कार्बन स्नान करने वाले शख्स का हाल जानना जरूरी था। सिर के बाल से लेकर आंखों की पुतलियां, चेहरे की मूंछ और पांव में चप्पल तक काली, नहीं तो ये कालिक जो ऐसी रोज जमी रहती है। प्रेमपाल ने कार्बन की वजह से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया। खांसी फांसी हो जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रेमपाल जिस तरह के माहौल में काम करने को मजबूर दिखा, उसके सेहत पर पड़ने वाले खतरों से भी वो अनजान नजर आया। जब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के शरीर के साथ ही इलाके में रहने वाले लोगों की बीमारियों में कार्बन का असर दिखा तो इससे आबोहवा कैसे बची रहती। यहाँ की चिमनियों से उठता काला धुआं हवा में जहर घोलने वाले गगनचुंबी प्रतीक नजर आए। बेहिसाब चिमनियों से निकलते धुएं से नीला आसमान काला पड़ गया और यही हाल यहाँ के नदी नालों का दिखा, जो जमीन के अंदर जहर भेजने के साधन बनते दिखे। एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया ये सोचकर कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज इसी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकला जहरीला धुआं
और काला गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुसीबत बड़ी, लेकिन कंपनी वालों से लेकर प्रशासन तक कहीं सुनवाई नहीं। सब जगह शिकायत कर ली, कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो नेता सुनने वाले हैं, ना अधिकारी सुनने वाले हैं। ये धुआं इलाके के लोगों के घरों में घुसकर रोटी तक खाने नहीं देता, उनके मवेशी तक प्रदूषण की वजह से बीमार पड़ते दिखे। फैक्ट्रियों से निकलता धुआं आसमान में जहर घोलता दिखा, तो उससे निकलता कचरा जमीन और पानी को जहरीला बनाता, और दोनों की चपेट में आने से इस पूरे इलाके में रहने वाले इंसान और मवेशी बीमारियों से जूझते नजर आए। इतने बड़े इलाके के लोग खराब हवा पानी की वजह से परेशान हों, लगातार बीमार होते रहें और इलाज में बेहिसाब खर्च हो, तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन लोगों की बड़ी शिकायत ये रही कि जब नेताओं के दर्शन केवल चुनावों में ही हों, तो वो कैसे अपना दुखड़ा रोएं। लोट आते नहीं है, बस वोटों के लिए आते हैं, वादों पे आते नहीं। ग्वालियर और मुरैना के आसपास प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद लोग चुनावों को लेकर अपने रुझान बताने से कतराते नजर आए। नहीं, वोट तो देंगे, वोट किसको देंगे वो तो समय बताएगा। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन चुनाव में जनता के असली मुद्दे कितने उठते हैं, इसका खुलासा भी जल्द होने लगेगा। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण पर राहुल गांधी का सियासी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने अग्निवीर को मिलने वाली सैन्य सुविधाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर वीरों के अपमान का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा कि अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपना जीवन लगा दिया, इसलिए उनके परिजनों को सभी अनुग्रह राशि मिलेगी। पीएम बनने के इच्छुक राहुल अफवाह फैलाना बंद करें। इस बीच सेना ने भी एक बयान में साफ किया कि अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण को सैनिक सेवा शर्तों के मुताबिक गैर अंशदायी बीमा राशि 48 लाख रुपए, सेवा निधि में अग्निवीर को 30% का योगदान ब्याज के साथ 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, शेष कार्यकाल का भुगतान और तत्काल 13 लाख से अधिक सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख का योगदान, AWWA की ओर से तत्काल 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शहीद अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर शहीद को श्रद्धांजलि देने दूर दूर से लोग पहुंचे, और जैसे ही सेना की गाड़ी में शहीद अक्षय का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा, तो लोगों की भीड़ गावटे अक्षय अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाती सुनाई पड़ी। इस दौरान पिंपल गांव सराय में हर गली सड़क और इमारतों की छतें लोगों से खचाखच भरी दिखी। महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने सबसे पहले शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सेना के जवानों ने फूल चढ़ाए और फिर उन्हें सलामी दी। इस दौरान शहीद अक्षय के परिवार वाले बेहाल नजर आए, जिन्हें संभाल पाना वहां मौजूद लोगों के लिए मुश्किल हो गया। शहीद होने के बाद यहां पिंपल गांव सराय में पूरे शासकीय इंतजाम के साथ उनका भी अंतिम संस्कार यहां किया गया। वहीं NCC के कैडेट्स ने शहीद गावटे की याद में मार्च निकाला। साथ ही शहीद की याद में वहाँ बच्चों ने सड़कों पर रंगोली भी बनाई। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई और इमारत में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी, जबकि आसपास के इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि इमारत में ये आग इतनी तेजी से फैली कि उस इमारत में मौजूद कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस समय कांदिवली मुंबई से। एक इमारत में भीषण आग लग गई, इसमें दो लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, और ये धू जो काले रंग का धुआं आपको उठता दिखाई दे रहा है, इसी से पता चल रहा है कि आग कितनी भीषण थी और कितनी तेजी के साथ फैली। इसराइल हमास जंग का 17वां दिन है और पिछले 24 घंटों में इसराइल ने गाजा पर 320 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में गाजा में करीब 400 लोग मारे गए और जिसमें से 60 लोग तो सिर्फ बीती रात हुए हमले में मारे गए। इजरायली सेना के मुताबिक कल हुए हवाई हमले ज्यादातर स्कूल, मस्जिद और UN की इमारतों के पास किए गए।
इजरायली सेना ने कुछ हवाई हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं। इन वीडियो पर हिब्रू भाषा में लिखा है, आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमले। इजरायली हमलों में एक के बाद एक कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इन वीडियो को जारी करने के बाद इजरायल ने दावा किया कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों की आड़ ले रहा है और इजरायली नागरिकों पर रॉकेट से हमले कर रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 5087 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1873 बच्चे शामिल हैं। रात भर बमबारी के बाद इसराइल ने आज सुबह भी गाजा पर कई हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद गाजा का आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। हमले की इन तस्वीरों को इसराइल की तरफ से बिल्डिंग की छत से रिकॉर्ड किया गया है। दूर सीमा पार गाजा में इजरायली सेना की मिसाइलें एक के बाद एक बरस रही थी। आग के गोलों और धुएं से पूरा आसमान भर गया। एक दूसरे कैमरे से लिए गए इस वीडियो को देखिए। इजरायली सेना ने गाजा के अंदर जोरदार हवाई हमला किया। कल ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध कैबिनेट की बैठक की थी। इस बैठक के बाद ही गाजा पर 24 घंटों में शायद अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला किया गया। इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद गाजा की तस्वीर खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दिन रात हुई बमबारी के बाद चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मलबा और शवों के ढेर ही दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा में मौजूद जबालिया रिफ्यूजी कैंप को हुआ। इन्हीं दोनों जगहों पर इसराइल ने सबसे ज्यादा बमबारी की। उत्तरी गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में मौजूद रिहायशी बिल्डिंग्स हवाई हमलों में तबाह हो गई हैं। हमले के बाद मलबे से जिंदा और मुर्दा लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। सीमेंट और कंक्रीट को ड्रिल करके और काट कर मलबे के अंदर जिंदगियों की तलाश की गई। दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा में मौजूद खान यूनिस के रिहायशी इलाके हम्माद में बहुमंजिली इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमीन पर ढह गईं। इन इमारतों में उत्तरी गाजा से आए फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे थे। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद लाइन से खड़ी इमारतों के सामने का पूरा इलाका उजड़ चुका है। इमारतों के नीचे खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। طلعونا من غزة قالوا خان يونس يعني منطقة آمنة الآن فيش منطقة آمنة في غزة يعني القصف الليلة في خان يونس مختلف عن كل ليلة। इजरायल का कहना है कि उसने गाजा पर हमले और बढ़ा दिए हैं और जल्द ही जमीनी हमले भी होंगे। हालांकि अमेरिका ने इजरायल को जमीनी हमले में देरी करने की सलाह दी है। 17 दिनों से जारी इस जंग में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को मिलाकर अभी तक 6200 यानी 6200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग और भीषण होती जा रही है। 24 घंटे में इजरायली आर्मी के हवाई हमले उत्तरी और दक्षिणी गाजा दोनों जगहों पर हुए, जिसमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप और रफा के इलाके भी शामिल हैं। रविवार को इसराइल ने जबालिया में मौजूद 2 मस्जिदों को निशाना बनाया। इसराइली हमले में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में मौजूद तौबेह मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई। पूरी मस्जिद मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बस मस्जिद की मीनार ही साबुत बची हुई है। هذا مسجد يعني بضم منطقة كبيرة وفي عنده بيصلوا فيه يوم الجمعة حوالي 2000-3000 مصلي هاي يوم دمروا المربع كمان دمروا بيوت للناس। अलजबालिया रिफ्यूजी कैंप में हुए हमले में 30 लोग मारे गए। इसराइल का दावा है कि हमास मस्जिदों में इसराइल के खिलाफ हमले की योजना बनाता है। फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो तब का है जब गाजा के अलकुद्स अस्पताल में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय टीम हालात का जायजा लेने पहुंची थी और तभी इसराइल का हवाई हमला हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। अलकुदस अस्पताल के पास 2 हवाई हमले हुए। बम गिरते ही रेड क्रिसेंट की टी शर्ट पहने सदस्य खंभे की आड़ में हो गए और लोगों को सुरक्षित जगह पर छिपने को कहने लगे। गाजा में हुए इजरायली हमले में एक ही परिवार के 17 में से 13 सदस्य मारे गए। पूरा परिवार इसराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में शरण लिए हुए था, लेकिन यहाँ मौत ने उनका यहाँ तक पीछा किया। खान यूनिस के शरणार्थी कैंप की जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे, इसराइल के हवाई हमले में वो पूरी तरह तबाह हो गई।
17 सदस्यों के परिवार में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच पाए, जिसमें से एक 18 साल की दीमा अलमदानी है। उसका एक चचेरा भाई है जिंदा बचा है जो घायल है। दीमा को अस्पताल के शवगृह में ले जाया गया जहां उसने परिवार के सदस्यों की पहचान की। كلهم راحوا غدروا فينا اليهود ضلينا من 17 نفر 4 انفار فانا هلقيتها مش مستوعبه لما ارجع على بيتي في غزه من بين 17 نفر 4 انفار اسرائيلي اير سترايك میں دیما کے ماں باپ بھائی بہن سبھی مارے گئے गाजा में इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के साथ साथ इसराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। बीते 24 घंटों में इसराइल ने हिजबुल्ला के 8 कमांडर्स को मार गिराया और इसके साथ ही हिजबुल्ला के 27 बड़े कमांडर इसराइल के हमले में मारे गए हैं। इसराइली एयरफोर्स ने लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्ला के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसराइल के मुताबिक वहां से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट दागने की योजना बनाई जा रही थी। תקפנו מתחמים צבאיים ועמדות תצפית כחלק מההיערכות שלנו גם לשלבים הבאים במלחמה. במהלך הלילה נערכו פשיטות. इसके अलावा इसराइल ने हिजबुल्ला के 2 मिलिट्री ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की, जिसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के मारे गए एक कमांडर के जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए। हिजबुल्ला भी इजरायली मिलिट्री चौकियों और टैंकों पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्ला ने अपने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हिजबुल्ला रॉकेट, मोर्टार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के मुताबिक इजरायली सैनिक ठिकानों पर ये हमले 20 और 21 अक्टूबर को किए गए। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उत्तरी इजरायल में लेबनान के बॉर्डर के पास पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात इजरायली सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला और जोश बढ़ाया। नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को जंग से दूर रहने को कहा और लेबनान को चेतावनी दी। הם צריכים לחדול. ואנחנו עכשיו בקרב כפול. קרב אחד זה קרב לבלום כאן, והצד השני לנצח שם. ניצחון בוחץ שמוחק את החמאס. נתניהו נה לבנן סימה פר ישראלי סיינת נעתי כפורה ג'ייזה ליה. इस बीच इसराइल ने गाजा में किसी भी तरह की मानवीय मदद भेजने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, इसराइल ने कहा कि बिना निगरानी दूसरे देशों से आ रही मदद को भी वो गाजा में नहीं घुसने देगा। हालांकि मिस्र और गाजा के रफा बॉर्डर से ट्रकों की तीसरी खेप जरूरी चीजों को लेकर गाजा में दाखिल हुई। मदद की पहली 2 खेप गाजा के खान यूनिस इलाके में पहुंच भी गई है। इनमें दवाइयां, ग्लूकोज, खाने की चीजें, पानी की बोतलें जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। طبعا هذه كميات يعني تعتبر نقطه في بحر بالنسبه للاحتياجات الانسانيه في قطاع غزه संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में गाजा में 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। यूएन का कहना है कि गाजा की 23 लाख आबादी के लिए कम से कम रोजाना 100 ट्रक मदद की जरूरत है। उधर गाजा के अल शिफा अस्पताल में बिजली और दवाइयों की भारी कमी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बिजली 5 मिनट के लिए भी कटी तो आईसीयू में मौजूद सभी 55 नवजात की मौत हो सकती है। जंग के बीच इसराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को अपने साथ केमिकल वेपन भी लेकर आए थे। इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग ने दावा किया कि हमास आतंकियों को साइनाइड बम से इसराइल पर हमला करने के आदेश मिले थे। इसराइल का दावा है कि मारे गए हमास लड़ाकों के पास यूएसबी डिवाइस मिली है, जिससे ये साबित होता है कि आतंकी म्यूजिक फेस्टिवल में साइनाइड से हमला करने वाले थे। युद्ध के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने एक बार फिर हमास के खात्मे का संकल्प दोहराया और दावा किया कि ये युद्ध बर्बरता के खिलाफ लड़ा जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के आतंकी की मौत पर समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आतंकी के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए और इसराइल के खिलाफ युद्ध तेज करने की बात कही। हमास के हमले के 2 हफ्ते बाद भी बंधकों की घर वापसी न होने पर इजरायली लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन किया और अपनी सरकार से बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की मांग की।
वाघ बकरी चाय कंपनी के मालिक और डायरेक्टर पराग देसाई की 49 साल की उम्र में मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत की जो वजह सामने आ रही है वो डराने वाली है। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को पराग देसाई पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान सड़क पर घूम रहे कुछ आवारा कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। कुत्तों से बचने की कोशिश में पराग देसाई सड़क पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई और ब्रेन हैमरेज हो गया। इसके बाद पराग देसाई को तुरंत अहमदाबाद के शेल्बी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ तो उनको अहमदाबाद के ही जायडस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। काफी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर पराग देसाई को नहीं बचा पाए और आज उनका निधन हो गया। पराग देसाई के निधन के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में आवारा कुत्तों के जानलेवा हमलों पर बहस तेज हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, यहाँ की हवा भी जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और इसके साथ ही राजधानी के कई इलाकों को धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के पार पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अंदर प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की, और मेरे पीछे आप राष्ट्रपति भवन की इमेज देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति लुटियन जोन इलाके के अंदर भी किस तरह से बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह दिल्ली की अधिकांश जगहों पर AQI का स्तर खराब रहा, तो वहीं कई इलाकों में पूरी तरह धुंध छाई हुई नजर आई, जिसकी वजह से सड़क पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पॉल्यूशन लेवल तो बढ़ गया है, साइकिलिंग के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ इलाकों में तो धुंध इतनी ज्यादा थी कि वहां विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। ये हर वर्ष दिल्ली गैस चेंबर बन जाती है जब भी ठंड का समय आता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने केवल झूठे वादे दिए। हालांकि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे और सख्तियां बढ़ाने के संकेत दिए। मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है वो कम से कम हो सके। जानकारों के मुताबिक दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार चला गया है। हवा में घुला ये प्रदूषण जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से सांस से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण किडनी पर भी असर डालता है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषित हवा में पाए जाने वाले कार्बन से किडनी के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण से दिल की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हार्ट फेल होना और हाइपरटेंशन शामिल है। प्रदूषित हवा हमारे दिमाग को भी प्रभावित करती है, और इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर होता है और उन्हें बोलने में परेशानी होने लगती है। प्रदूषण की वजह से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। प्रदूषण की वजह से गर्भवती महिला की प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रदूषण की वजह से स्किन संबंधी कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे त्वचा में रूखापन और जलन भी हो सकती है। लेकिन प्रदूषण से बचने के कई तरीके भी हैं, जिसमें सबसे अहम है मास्क का इस्तेमाल करना। इसके साथ ही बेवजह बाहर नहीं जाने से भी इसके खतरे को टाला जा सकता है। साथ ही निर्माण कार्य, गाड़ियों और डीजल जेनसेट का इस्तेमाल घटाकर भी प्रदूषण के असर को कम किया जा सकता है। प्रदूषण में बाहर टहलने या कसरत करने की बजाय घर में ही योग और ध्यान कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया कि कनाडा में भारतीय राजनयिक सुरक्षित नहीं है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि कनाडा का भारत के आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पठानकोट दौरे के दौरान धर्मांतरण कराने वालों को बड़ी चेतावनी दी। बागेश्वर बाबा ने कहा, भारत रघुवर का देश है और यहाँ धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत राम का है, बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। नवरात्रि की नवमी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने कन्याओं को देवी के 9 रूप मानकर उनकी आरती उतारी और फिर विधि विधान से पूजा कर उपहार भेंट किए। देश भर में दशहरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विजयादशमी के लिए 131 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है।
पटना के गांधी मैदान में रावण दहन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। यहां रावण का 70 फीट ऊंचा, कुंभकर्ण का 65 फीट ऊंचा और मेघनाथ का 60 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। कल दशहरा है, कल पूरे देश में राम के तीर रावण का वध करेंगे, लेकिन दिल्ली की लवकुश रामलीला में होने वाला रावण दहन सुर्खियों में है, क्योंकि लवकुश रामलीला में रावण का अंत अभिनेत्री कंगना रनौत के तीर से होगा। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत कल लवकुश रामलीला के दशहरा उत्सव में शामिल होंगी। लवकुश रामलीला कमेटी का कहना है कि महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन कानून इसी साल बना है, इसलिए कानून के बनने की खुशी में रावण दहन के लिए देश की कई नामचीन महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। कंगना रनौत के साथ कई महिलाएं दशहरे के दिन मंच से तीर चलाकर रावण का दहन करेंगी। आमतौर पर लवकुश रामलीला में रावण का दहन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री करते रहे हैं।